किस के साथ जा रही है सर? अगर हमने डिलीवरी की तो माँ और बच्चे में से किसी एक को बचा सकता है। ये खुलेआम बैठकर लोगों को अपनी तरफ मतवजो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? मुबीन का नंबर क्यों ऑफ है? अक्सर ऐसा होता तो नहीं। स्ट्रॉन्ग कॉफी फॉर द स्ट्रॉन्ग लेडी। थैंक यू। मुबीन को कॉल कर रही थी? नहीं तो मैं क्यों कॉल करूंगी उसको? मैं तो उसको कब का अपने दिल से। अरे मजाक कर रहा था। आई नो यू। तुम जिसको एक दफा दिल से निकाल दो दोबारा उसकी तरफ पलट के कभी भी नहीं जाती। यस यू आर राइट। अच्छा बाय द वे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो क्या बात करनी थी? वो ये कि सॉरी अंकल का मैसेज। बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझसे पहले बात कर लो कोमल को कैसे डील करना, कोई जल्दबाजी मत करना। क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? यार एक्चुअली मुझे अब कहीं जाना पड़ेगा। I'll catch you later। बताओ ना तुम्हें कुछ। प्लीज मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ फिर बात करते हैं। अरे अजीब है, और तुम उससे भी ज्यादा अजीब। हेलो हेलो नूर, कैसी हो मेरी बच्ची? शादी के बाद तो ना तुमसे बात हुई ना मुलाकात हुई। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं भी बहुत उदास हो रही थी आपके बगैर। बेटा मैं तो तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। ससुराल जाके जैसे तुम हमें तो भूल ही गई हो ना, हैं? वैसे कहते हैं जो बच्चियाँ ससुराल में जाकर अपने मैके को भूल जाए ना उनको ससुराल में ही मैका मिल जाता है ना? बहुत खुश रहती हैं वो वहाँ पर। अच्छा बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? तुम खाला बन गई हो, वानिया क्या चांद सा बेटा हुआ है। अच्छा ये तो। हेलो हेलो मैं से बात कर रही थी। ना मैंने कोई सवाल किया ना कोई जवाब मांगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अपने माजी के सारे राब्ते खत्म कर दो। लेकिन मैं जिसकी भी कॉल थी मैंने नहीं पूछा। तुम्हारा माजी माजी ही रहे तो बेहतर है, वरना तुम्हारे हाल का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वेलकम हो, बैठो। असलम इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरा बस चले ना वानिया तो दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, थैंक यू। रुको केक खा लेती हूं। आप बहुत अच्छे हैं। ये लो मैं भी आता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे इस्लाम जैसा शोहर मिला और मुझे खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। शुक्र खुदा का। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा मेरे हर सवाल का। कोमल। हाँ? कोमल, तुमने जो चाहा, जो मांगा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जब हम साथ थे तब भी, और जब तुम और मुबीन साथ हो तब भी। क्या मतलब? बात क्लियर करो। मैं क्लियर बोलूंगा, लेकिन मुझे उसका क्लियर जवाब चाहिए। हाँ बोलो। कोमल, विल यू मैरी मी? व्हाट? यू स्टिल वांट टू मैरी मी? क्यों? अब क्या हुआ ऐसा? तुम अब भी वही कोमल हो और मैं अब भी वही उन्नाद। If you don't mind, I need some time. I hope you do understand. Sure. पासपोर्ट तो बनने दे दिया है, लेकिन मिलेगा कब? 1 महीने बाद? नहीं मेरी जान, अर्जेंट है। इसी हफ्ते मिल जाएगा। So it's mean I'm ready to fly. Yes, you are. वैसे ऐसा कहाँ जा रहे हैं? अब अभी तुम्हारी एक मीटिंग करवानी है क्लाइंट से। तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है, उस सिलसिले में से मिलने जा रहे हैं। Like कौन सा प्रोजेक्ट? वही शूट है। Okay. अजीब है, पहले तो खुद बेशुमार कॉल करती रही और अब मेरी कॉल्स काट रही है। कहीं नाराज तो नहीं होगी, मगर पता कैसे चलेगा, और अगर नाराज है तो मनाऊं कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने डैड और इमाद के साथ है, इसलिए कॉल्स इग्नोर कर रही है। यही वजह हो सकती है। वो छत पर क्यों? वो मैं ये क्या कर रहे हैं आप वजाहत? मैंने क्या किया है? तुम जैसी लड़की को तो हाथ लगा के मैं अपना ईमान खराब नहीं कर सकता। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। हाँ मैं। बानो, रस्सी लेके आओ। बानो, रस्सी लेके आओ। बांधो इसको। बांधो? हाँ तुम, या फिर तुम्हें भी साथ बांधू मैं। बांधो इसको। ये क्या कर रहे हैं आप वजाहत? मैंने क्या किया है? तुम जैसी लड़की को तो हाथ लगा के मैं अपना ईमान खराब नहीं कर सकता। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। ठीक से बांधो। वजाहत, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। वजाहत क्या कर रहे हैं? वजाहत छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हैं? वजाहत 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 जाने दे मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दे। वजाहत प्लीज मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? प्लीज मुझे छोड़ दे। वजाहत प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे आप? वजाहत ये सब क्या है? तुम्हारी असल जगह, तुम्हारी औकात। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? तुमने कुछ किया है या नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने जो कुछ बोया है वो अब तुम्हें काटना है। वजाहत प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? छोड़ना तो मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से मजबूर हो, इसीलिए तुम्हें सिर्फ कैद कर रहा हूं। कैद? हाँ कैद। मगर क्यों? क्योंकि तुम एक बदकार औरत हो, जो बदकिस्मती से मेरी बीवी है, उससे अपनी गैर मौजूदगी में आजाद छोड़ के अपने खानदान की इज्जत पे काला धब्बा नहीं लगवा सकता मैं। काला धब्बा? हाँ काला धब्बा। अब तुम मेरे खानदान की इज्जत हो, यह अलग बात है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इसका अंदाजा तो मुझे उसी दिन हो गया था। खैर अब अपने घर की इज्जत की हिफाजत मैंने खुद करनी है, क्योंकि तुमसे तो उम्मीद रखना बेवकूफी है। प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। मेरी इजाजत के बगैर कोई कमरा नहीं खोलेगा। वजाहत नहीं, वजाहत प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए। वजाहत! अम्मी ये सब किसके लिए? बेटा तुम्हें बताया तो था, वानिया के बच्चे की ये सब चीजें। ओ हाँ आपने बताया था वानिया के बच्चे के लिए, तो क्या नूर आएगी वानिया के घर? बेटा पता नहीं नूर का, वो शहर से बाहर गई हुई है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि बहन की इतनी बड़ी खुशी में वो ना आए। शहर से बाहर गई हुई है? अच्छा तुम जाओगे वानिया से मिलने? नहीं अम्मी मेरा वहाँ क्या काम, आप जाइए। हाय हाय मैं तो नूर की तरफ से बहुत ही परेशान हूँ, पता नहीं अचानक कौन से गायब हो गई है, कोई इत्तला ही नहीं है उसकी। चलो जी सबा और सामान भी ले आओ बेटा अंदर से, सारा मैं इकट्ठा एक जगह ही कर दूं। जाके अपने साहब से कह देना जब मुझे उनके घर में रहने की इजाजत नहीं है, किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, तो मैं ये खाना कैसे खा सकती? वानिया को अपने बच्चे से ज्यादा एग्जाम्स की फिक्र है। इंटरेस्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं इसे अब भी मलाल है अपने बच्चे को लेकर। मुझे बेऔलादी का ताना दिया था ना तुमने वानिया, मगर अब वक्त मेरा होगा। एक बार तुम अपने बच्चे से तवज्जो हटाओ तो सही, फिर मैं देखती हूँ कि किस मुंह से माँ होने का दावा करोगी। आप जानते हो खान बाबा आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहब ने बीबी जी को कोठरी में बंद कर दिया? अल्लाह जाने बानो, मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा, जबी तो साहब जी ने बेगम साहिबा को कोठरी में बंद कर दिया। मगर बीबी जी तो इतनी अच्छी हैं, फिर साहब क्यों कर रहे हैं उनके साथ ऐसा? इतना दिमाग मत चलाओ भानु, हाथ चलाओ हाथ। ये दिमाग इस्तेमाल करना ना इन बड़े लोगों का काम होता है, हमारा नहीं, समझी तुम? चलो जाके किचन देखो, वरना ऐसा ना हो साहब जी हम लोगों पे गुस्सा उतार दे। कॉन्टैक्ट करना है या नहीं, ये फैसला अब करना ही होगा। और अब इस बार फैसला वक्त नहीं, मैं करूंगी। जी आपका खाना। बानो, मुझे माफ कर दीजिएगा बीबी जी, साहब जी ने आपसे बात करने से मना किया है। तुम्हें मना किया ना, मुझे तो मना नहीं किया ना तुमसे बात करने के लिए। जाके अपने साहब से कह देना जब मुझे उनके घर में रहने की इजाजत नहीं है, किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, तो मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ? लेकिन बीबी जी, तुम्हें मना किया ना साहब ने बात करने के लिए, तो बस चुप करके ये खाना ले जाओ, मुझे नहीं खाना। Baba, yes means yes. Yes, as in you have accepted my proposal. हाँ, I'm ready. शर्म करो थोड़ी सी सोहेल, शर्म करो। अरे कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? जीने दो उसको उसकी जिंदगी। जब तक जिंदा हूँ ना बर्बाद करता रहूँगा।